नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आइए आज हम बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की। सूचना और संवाद, ये दो ऐसी बातें हैं जहां हमेशा कायम रहना चाहिए, और उसी से किसी भी देश की या किसी स्थान की जो प्रगति है वो बहुत ज़्यादा संभव करती है सूचनाओं के ऊपर। आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री संजय शाह साहब, जो DGM हैं सिरोही में। DGM साहब, हमारे इस स्टूडियो पे स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। DGM साहब, सिरोही, जालोर और सांचोर एक बहुत बड़ा सा एरिया है भौगोलिक क्षेत्र से यदि देखा जाए, और टेलीकम्युनिकेशन हर जन जन की आवश्यकता आजकल तो रह गई। ये एक ज़माना था जब बहुत कम टेलीफोन हुआ करते थे और टेलीग्राम, और आजकल वो जो विधि है वो सब बदल गई। तो जो पुराने ज़माने में हमने हमारे बाल्यकाल में देखा, और आज की जो नवीनतम तकनीक है वो क्या है, और उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। BSNL सिरोही और ओवरऑल BSNL देखिए तो बहुत मेजर चेंजेस आ रहा है जी। कई नई टेक्नोलॉजी लेकर अभी हम आ रहे हैं। जैसे पहले कॉपर के कनेक्शंस थे जी, जिसको हम लैंडलाइन कनेक्शंस कहते थे, अब वो कॉपर कनेक्शंस को हम अभी कन्वर्ट कर रहे हैं फाइबर कनेक्शन में, जिसके तहत काफ़ी अच्छी स्पीड आपको मिलेगी जी। कोई भी कस्टमर्स, क्योंकि आजकल क्या है कि कस्टमर्स को सब चीज़ ऑनलाइन करनी होती है। एजुकेशन देखो तो ऑनलाइन हो गया, शॉपिंग देखो मतलब ई कॉमर्स है वो भी ऑनलाइन हो गया, रेलवे बुकिंग करना है, फूड आपको अगर ऑर्डर करना है, बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग देख लो, एवरी इंडस्ट्री नाउ दे नीड स्पीड। बिल्कुल। तो वो स्पीड को ध्यान में रखते हुए अभी हम FTTH कनेक्शंस यानी कस्टमर्स को दे रहे हैं। FTTH क्या होता है? वो है फाइबर टू होम कनेक्शंस। अच्छा, हर आदमी को आप फाइबर दे रहे हैं। मतलब होम मतलब लास्ट पॉइंट जी, लास्ट पॉइंट तक उनके वहाँ फाइबर जाएगा जी, एंड फाइबर कैन प्रोवाइड यू द स्पीड, वो आपको अच्छी से अच्छी स्पीड दे पाएगा जी। और इसलिए अभी हमारे कॉरपोरेट ऑफिस ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जितने भी कॉपर कनेक्शंस है वो सारे अभी हम बंद कर रहे हैं जी, और सारे कॉपर कनेक्शंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फाइबर में। फाइबर पे और कॉपर में बेसिक क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाता है जी। फाइबर के अंदर मेंटेनेंस है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, प्लस कॉपर में क्या होता है कि उसमें मेंटेनेंस करना उस लेवल के अभी आदमी भी, लाइनमैन जो पुराने थे जी, वो आज के डेट में हमारे पास थोड़े कम हो गए हैं। तो इसमें भी मैन पावर कम चाहिए, लेकिन टेक्निकली साउंड आपको शायद ज्यादा चाहिए होते हैं। हाँ, इसमें फाइबर में यस, नहीं उतने भी ऐसा नहीं है, बट हमारे पास जो अभी हमारे TIP का कंसेप्ट है, जो हमारे टेलीकॉम पार्टनर है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स जी, वो सब टेक्नोलॉजी को जानते हैं और अच्छी से अच्छी तरीके से कैसे वो लोग फाइबर कनेक्शन कस्टमर्स के वहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। एक बात मैं और जानना चाहता था DGM साहब की, जैसे बहुत से प्राइवेट यहाँ सर्विस प्रोवाइडर आज मार्केट में उपलब्ध हैं, हम किसी सरकार के और उसके उस बातों पे नहीं जाते, लेकिन BSNL कैसे सरवाइव करेगा उन प्राइवेट के कंपटीशन में, इसके लिए क्या योजना है? इसके लिए योजना ये है कि हमारा जो प्राइस, जो प्राइसिंग है हमारा जी, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, प्लस BSNL में कोई हिडन चार्जेस कभी नहीं होता है। हाँ ये बात है, एवरीथिंग जितना भी है वो साफ है, साफ है, पारदर्शिता है, सब ट्रांसपेरेंसी है हमारे यहाँ पर, और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टैग और गवर्नमेंट का वो रहता है इसके अंदर, तो हमारे प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है जी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, BSNL पे लोग विश्वास इसलिए रखते हैं कि यहाँ पर कभी कोई गलत काम नहीं होगा। एक बात और बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो जो प्राइवेट जो आपके कंपिटिटर हैं वो कुछ और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए हों, और आप जो गवर्नमेंट है या BSNL है वो कहीं पिछड़ रहा हो MTNL BSNL? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको कहूँगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी आत्मनिर्भर का जो मिशन चलाया है जी, उस मिशन के तहत अभी हम 4G लेकर आ रहे हैं जी, और आपको एक एक्चुअली हमारे लिए ये मैटर ऑफ प्राउड है जी, कि हमारे इंडियन कंपनी ये 4G इक्विपमेंट बना रही है। अच्छा, 4G के जो इक्विपमेंट है वो भी कंपनी इंडिया की ही बना रही, इंडिया है। की कंपनी है, बहुत बड़ी बात है, किसी जमाने में तो आयात होते थे। हाँ, और वो इम्पोर्ट होता था, हमारा काफ़ी पैसा मतलब उसमें जाता था, तो एक तो ये हमारे इंडिजिनस इक्विपमेंट बन रहे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर आप देखो जी, तो आज इंडिजिनस इक्विपमेंट बनना मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
और हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप देखो तो आज फॉरेन में, अब्रॉड में, कई एमएनसी में काम कर रहे हैं। तो अगर हम आज कोई फॉरेन में जाकर अगर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर सकते हैं और हमारी जो मास्टरी है कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, वो हम अगर लोकली यूटिलाइज करें विद इन इंडिया जी, तो और बेहतर चीज़ है। और वही चीज़ बीएसएनएल लेकर आ रही है। तो हमारा 4G इक्विपमेंट है वो एट पार विद अदर ऑपरेटर्स रहेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो लो ग्रेडेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुन रहे रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया आज हमारे साथ श्री संजय शाह जो DGM हैं टेलीकम्युनिकेशन और सिरोही से आते हैं। जालोर, सांचौर और सिरोही का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो सिरोही में है। और फिर से एक बार स्वागत शाह साहब आपका। अपन बात कर रहे थे टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, और टेलीकम्युनिकेशन आपने बताया कि इतना बड़ा जिला, इतनी बड़ी, तो आने वाला जो समय है वो किस तरह से और अपग्रेड होगा? आपने कहा 4G हम ला रहे हैं और 4G का काम हमारा शुरू है तकरीबन, ये किस एक्सटेंट तक गांवों में पहुंचेगा और इससे भी अपग्रेड अपन आगे क्या हो सकते हैं, वो क्या प्लानिंग है? जी, अभी राजस्थान ने, BSNL राजस्थान ने जी RISL के थ्रू हर ग्राम पंचायत को फाइबर कनेक्शन से जोड़ने का मिशन लिया हुआ है जी। और इसके लिए हमने कई एजेंसी को भी डेप्यूट किया है, और अभी फुल फ्लेज आज के डेट में भी राजस्थान के अंदर, सिरोही जिले के अंदर और सांचौर और झालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम डेली कोई ना कोई GP को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ग्राम पंचायत लेवल तक फाइबर पहुंचेगा, पहुंच हो गई, और वहाँ OLT लगाई जाएगी। OLT एक ऐसा इक्विपमेंट है जी कि जिसके थ्रू आप गांव के लोगों को भी इंटरनेट कनेक्शन दे पा सकते हो। और भी तो इस तरीके से, अच्छा, किसी जमाने में जैसे वो जो बूथ हुआ करते थे उसके फोन के, exactly, उस टाइप का हुआ आपने वहां दे दिया ताकि उनको आप वो एक्सेस कर सके। बेसिकली OLT है वो कॉम्पैक्ट एक्सचेंज है, उसका नाम भी ऐसा ही है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल एक्सचेंज। पहले कभी कभी हमको एक कमरे में एक्सचेंज बनाना पड़ता था, आज वो एक राउटर के फॉर्म में, एक छोटे से एक डिवाइस के फॉर्म में OLT एक्सचेंज आती है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि ये लोगों की और पहुंच हो सकती है और एक तरह का रोजगार भी उन लोगों को मिल सकता है, शायद ऐसा रोजगार सृजन होगा यदि गांवों में वो जाते हैं जरूर। तो 5 रुपया कमाएंगे खुद भी और BSNL का भी प्रचार प्रसार होगा जहां गांव स्तर तक। इसके लिए भी इसकी थोड़ी सी और डिटेल मेरे को आप बता सकते हैं, कैसे लोग पहुंचे और किस तरह से ये काम कर सकते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि ग्राम पंचायत लेवल पे इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए जी राजस्थान ने एक एजेंसी के साथ में टाई अप किया है। वो एजेंसी वहाँ पर OLT एक्सचेंज लगाएगी जी, और OLT एक्सचेंज लगाने के बाद में गांव के अंदर सर्वे होगा जी कि किन किन को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और हर गांव में गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि एटलीस्ट 5 गवर्नमेंट ऑफिस को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करनी है। नहीं करना है तो हम अभी तक कई गवर्नमेंट ऑफिसेस को कनेक्ट कर चुके हैं जी। उसमें से एक शिवगंज एक ऐसा हमारा है तहसील के, जिसके अंदर 90% गवर्नमेंट ऑफिस को हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दी है। बहुत सुंदर काम है। तो हम क्या करते हैं कि हर गांव के अंदर एक OLT लगाकर मिनिमम 5 कनेक्शन, मतलब 5 गवर्नमेंट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है जी, फिर वहाँ पंचायत इटसेल्फ है, ये हर जगह हम वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। उसके बावजूद हमारे जो प्राइवेट एजेंसी है वो गांव में घूमकर कोई स्टूडेंट्स हो, कोई ई मित्र वाला हो, उनको भी हम इंटरनेट कनेक्शन, ये जो होगा आखिर ये OFC केबल के माध्यम से ही होगा पक्का ही। TV और वगैरह ये भी तो आजकल अपने चालू इस पे शुरू हो गए जी जी, नेटफ्लिक्स वगैरह जी सर। इसमें एक बार आपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया जी, फिर हमारे कई प्लान है, बहुत सी वाइड रेंजेस ऑफ प्लान्स आर देयर। वो प्लान छोटे से लेके बड़ा प्लान है, उसको हम एक कुछ प्लान ऐसे है जिसमें विथ OTT है और कुछ प्लान ऐसे है विदाउट OTT। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसको OTT प्लेटफॉर्म देखना है जी, तो वो अकॉर्डिंगली वो प्लान वो ले सकता उसको है, उसको सेलेक्ट कर और वो OTT एंजॉय कर सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे साथ श्री संजय शाह हैं
जो डीजीएम है सिरोही से, टेलीकम्युनिकेशन के हम आज बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन पे। श्रोताओं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीकम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी जीवन से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है और एक ऐसा भाग है जिसके अलावा शायद मैं आज सोचूं कि हमारा जीना भी एक दुभर हो जाए। हर प्रतिक्षण कुछ तो लोग एडिक्ट हो गए फ़ोन के। फिर से स्वागत साहब आपका, और जाते जाते हमें क्या बताना चाहेंगे किस तरह से लोग जुड़े और इसका उपयोग, सदुपयोग किस प्रकार से कर पावे लोग? देखो, ये इंटरनेट का सबसे बड़ा यूज़ है कि बच्चे इसका सही उपयोग करें जी, क्योंकि इसके दोनों एस्पेक्ट है जी। तो बच्चे, क्योंकि आजकल एजुकेशन कई वीडियोस अवेलेबल है, तो कोई भी बच्चा, इवन गांव का बच्चा भी खान एकेडमी का मटेरियल पढ़ सकता है। सही है। अगर वो चाहे, मुझे कोई यूके की लाइब्रेरी की कोई एक बुक पुस्तक देखनी है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई गांव का बच्चा भी एक ग्लोबल चाइल्ड बन सकता है जी, क्योंकि दुनिया काफ़ी छोटी हो गई है इंटरनेट कनेक्शन से। हम इतने छोटे, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि, और अभी कोई भी अगर बच्चा अगर पेरेंट्स से दूर भी है तो वो बात भी कर सकता है व्हाट्सएप का यूज़ करके, कुछ भी करके। तो ओवरऑल इंटरनेट का सही उपयोग करने से काफ़ी फ़ायदा आ सकता है। इवन फार्मर हो कोई गांव का, वो अगर अपना मटेरियल कहीं बेचना चाहता हो, कोई भी ऐसा सेक्टर बाकी नहीं, कोई हैंडीक्राफ्ट, अगर कोई गांव में सपोज जानवर की कोई ऐसी हैंडीक्राफ्ट आइटम अच्छी हो और अगर वो ग्लोबली जाना चाहता हो तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल, बस ये है कि इसका सही उपयोग हो, उपयोग सही, तो इसका बहुत ही फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। आपको भी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका